सुप्रभात, मैं निशा रावत देवभूमि इनसाइडर में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो चला है आज की सुर्खियों का। सबसे पहले देश दुनिया। दिल्ली दंगों में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। ममता बनर्जी का भाजपा पर वार, कहा पुतिन से पीएम मोदी के अच्छे संबंध हैं, युद्ध के पहले ही भारतीय छात्रों को क्यों नहीं लाया गया। पिछले एक हफ्ते में रूस के 9000 के करीब सैनिक मारे गए, यूक्रेन राष्ट्रपति ने दी जानकारी। स्पेशल कोर्ट लाए गए नवाब मलिक, ईडी मांग सकती है और दिनों की रिमांड। झारखंड सरकार ने राज्य के लिए पेश किया 1.1 करोड़ का बजट। यूक्रेन से 13 छात्रों समेत कुल 63 लौटे उत्तराखंड, बीजेपी बोले 286 की मिली जानकारी। 5 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी में महिला समेत 2 गिरफ्तार, उत्तराखंड एसटीएफ ने हैदराबाद से दबोचा। उत्तरकाशी और मसूरी में तिब्बती समुदाय के नववर्ष लोसर का आगाज, 3 दिन रहेगी धूम। देहरादून में सीएम दफ्तर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मचा हड़कंप। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जल्द लगेंगे बीएसएनएल के टावर, निगम ने शासन को भेजा प्रस्ताव। तो ये थी आज की सुर्खियाँ। नई सुर्खियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। जय हिंद।